वहीं बुराड़ी के संतनगर का एक स्कूल पिछले 4 साल से बनकर तैयार ही नहीं हो पा रहा। नगर निगम पार्षद की लापरवाही की वजह से निर्माणाधीन स्कूल शरारती तत्वों का अड्डा बन गया है। स्कूल की इमारत जर्जर होती जा रही है। चंदन टीवी की टीम ने यहां जाकर पड़ताल की और नगर निगम की लापरवाहियों को उजागर किया। इस रिपोर्ट में देखिए। बुराड़ी विधानसभा के संत नगर वार्ड में इस स्कूल का निर्माण कार्य अधर में लटका है। 4 साल पहले इस स्कूल का शिलान्यास हुआ था, लेकिन आज तक इसकी शुरुआत नहीं हो पाई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं 3 मंजिला स्कूल की बिल्डिंग बनाकर खड़ी की गई, लेकिन 4 सालों में आज फिर से ये जर्जर हो चुकी है। दीवारों का पेंट उतरने लगा है। इतना ही नहीं, यह स्कूल शरारती तत्वों का अड्डा बन गया है। 2017 में इसका शिलान्यास सांसद मनोज तिवारी ने किया था। निगम पार्षद कल्पना झा, जो सिविल लाइन जोन की 3 बार डिप्टी चेयरमैन रह चुकी हैं, उनकी तरफ से इस स्कूल पर ध्यान नहीं दिया गया। राजधानी दिल्ली में एजुकेशन को लेकर बीजेपी आम आदमी पार्टी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाती रहती है, लेकिन जहां बीजेपी का शासन है, उस शासन के अंदर एक नगर निगम का स्कूल अभी तक बनकर तैयार नहीं हुआ है। इधर आप देख सकते हैं, बुराड़ी के संत नगर वार्ड का ये जनता विहार में बनने वाला स्कूल पिछले 3 साल पहले इसकी नींव यहाँ के सांसद मनोज तिवारी ने रखी थी, जिसके बाद ये स्कूल बनना शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 1 वर्ष से इसका काम बंद पड़ा हुआ है। वहीं यहाँ के स्थानीय निवासी और कांग्रेस नेता कपूर सिंह सिसोदिया ने निगम पार्षद कल्पना झा पर लापरवाही के आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि निगम के भ्रष्टाचार के चलते ये स्कूल अब तक बनकर तैयार नहीं हुआ। आप देख रहे हैं कि 3 साल से लगातार मैडम डिप्टी चेयरमैन हैं, उसके बावजूद भी मुकुंदपुर के अंदर 3 साल से हो गए स्कूल बनते हुए, आज तक बिल्डिंग बनके तैयार नहीं हुई। पिछले 4.5 साल के आसपास यहाँ पे जीते हुए निगम पार्षद है कल्पना झा जी, यहाँ पर वो 3 बार डिप्टी चेयरमैन भी बन चुकी है यहाँ पे अपने स्वीट सेंटर के अंदर, और ये चाहते तो इस स्कूल को बन के ये 1 ही साल के अंदर, क्योंकि पिछले जो पार्षद थे उन्होंने इसका शिलान्यास करा दिया था मनोज तिवारी के टाइम पे, लेकिन ये स्कूल उनकी लापरवाही की वजह से, जो यहाँ पे क्षेत्रीय पार्षद है कल्पना झा जी, उनकी लापरवाही की वजह से स्कूल नहीं बना। वहीं जब जनतंत्र टीवी की टीम ने इस मुद्दे पर निगम पार्षद कल्पना झा से बातचीत करने की कोशिश की तो वे अपने कार्यालय से नदारद रही। उनसे फोन पर बात हुई तो उन्होंने कहा कि जल्द काम पूरा किया जाएगा। वहीं उनके प्रतिनिधि मनोज मिश्रा ने बताया कि करीब 3 से 4 महीने में स्कूल का काम पूरा हो जाएगा। संत नगर वार्ड के निगम पार्षद कल्पना झा के ऑफिस पर हम लोग पहुंचे, उनसे जानने की कोशिश की, लेकिन वो यहां पर मौजूद नहीं है। उनके जो प्रतिनिधि हैं उनसे हमने बात की तो उन्होंने बताया कि इस जो स्कूल है इसको 4 से 5 महीने में बनाकर तैयार कर दिया जाएगा। जो कोरोना काल की स्थिति हुआ, इसकी वजह से यहाँ पर लेबर वगैरह और मटेरियल वगैरह समय से नहीं पहुंच पाया, लेबर नहीं था, इसकी वजह से ये विलंब हो गया। निगम पार्षद की तरफ से कोरोना का हवाला दिया जा रहा है और ये दावा जरूर किया जा रहा है कि 4 महीने में इस स्कूल का काम पूरा हो जाएगा, लेकिन सवाल है कि 3 सालों में इस स्कूल की तरफ ध्यान क्यों नहीं दिया गया। निगम पार्षद की अनदेखी की वजह से शिक्षा का मंदिर शरारती तत्वों का अड्डा बन गया है। यह आपको बता दें, यहाँ शरारती तत्वों का अड्डा बनता हुआ नजर आ रहा है और इस पर भी राजनीति हो रही है, और जो यहाँ की राजनीति, जो यहाँ के निगम पार्षद हैं, वो इसके ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही हैं। नसीम अहमद, जनतंत्र टीवी, दिल्ली। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एनी अपडेट।